दूर। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? लोग अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं सदर बाज़ार गई थी, वहाँ पे मुझे वीडियो टाइम नहीं मिला क्योंकि मोबाइल चोरी वोरी होने का डर लगा रहता है। क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने दुकान लगा रखी है, अपना मेहनत कर रहे इतनी धूप में, इतने भीड़ में। इन लोगों का भी सामान ऑलमोस्ट कितना चोरी हुआ था वहाँ पे, कि इतने अच्छे घर की आ रखी थी लड़की, उसने खुलेआम चोरी कर ली, पता भी नहीं लगा। सो गाइस देखिए, एक्टिविटी देखिए, मार्केट में इतनी अच्छी हो रखी है, इतनी शानदार हो रखी है, इतनी रौनक है। दिवाली के टाइम पे पता ही आपको कितनी रौनक रहती है, कितने जगमगाहट सी रहती है मार्केटों में। पूछ लो कैसे दे रहे हो? 100 का जोड़ा। सही लग रहा है? और दो चार बना के वाले गन मैडम जाएगा भीड़ बढ़ा के। ₹400 सिंगल, 400 का सिंगल नहीं, 60 रुपये नारियल वाला, 60 रुपये का। हाँ, अच्छा लग रहा है नारियल तो। वैसे आंटी वाली दिखाना, आंटी आंटी ये वाइट वाली दिखा दो आंटी, ये कितने की है? ये वाइट वाली दिखाना, 300 रुपए की 10। 300 रुपए की 10, मस्त लग रही है एकदम। हाँ अच्छा लग रहा है। और दो लेंगे तो खाली दो कितने की पड़ेगी? पूरा सेट सही लगाओ आंटी अच्छी हैं। आंटी ने हमें 300 रुपये रेट बताया, हमने बोला कि 200 रुपये की लगा दो 10 पीस, तो आंटी ने लगा लिए 200 रुपये के, तो हमने 20 पीस ले लिए फाइनली। ये चलो दिवाली फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन की तैयारी शुरू होती है अब हमारी। बहुत भीड़ हो रही है मार्केट में, मार्केट में देखो दिवाली में कितनी रौनक हो जाती है मार्केट में। सदर बाज़ार में वैसे ऑलमोस्ट रौनक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि रौनक नहीं रहती सदर बाज़ार में, बट दिवाली पे तो एक अलग ही चमक धमक रहती है लाइटिंग वगैरह के साथ। वहाँ पे चूड़ा देखिए, कितने अच्छे चूड़े लग रहे हैं, देखिए ना लाल लाल से चूड़े, एकदम दिल खुश हो जाता है लाल लाल चूड़े देख के, कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। देखिए 100 रुपये के 5, इतना सस्ता मिल रहा है ना सदर बाज़ार में। हाँ हाँ, 100 रुपये के 5 है भैया। और कलर नहीं है अब इसमें? अभी तुम ऐसा मत करो भाई, पैसों का नाम कितना अच्छे लग रहे हैं, कलर भी कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हमने ले लिया है, और हमने रंगोली भी ली है, और रंगोली की ब्लॉग बनाना भूल गई, नहीं बना पाई। कैसा लग रहा है? 100 में 4 पायदान समझ आ रही है, 100 रुपये में 4 पायदान। कैसे दे रहे हैं ये? मैं बोल रही थी 120 रुपये ऑनलाइन भी यही रेट है, 120 रुपये। एक ही कलर के सब मल्टी कलर है? हाँ सारे मल्टी कलर में। दे रहे हो 200 रुपये? 10 रुपये की माला मंदिर में लगानी है। अरे तो मैंने 300 रुपये मेरे को दो, 300
यहाँ पे अंकल जी सो रहे थे तो सोची थोड़ी सी क्लिप बना ही लूँ अंकल जी की भी। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है, लास्ट हमारी ये लड़िया रह गई थी, लड़िया भी ले लिए हैं। मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, भाभी उभी गई थी छुआरे लेने के लिए, डस्टिंग वस्टिंग सफाई करने के लिए सामान, इसलिए भाभी और मेरी भाई गीता भाई आ रखी थी, साथ में थे हम सब। मैं बैठ गई, थक गई थी तो मैं बैठ गई हूँ, भाभी और मेरी बहन आ रखी है, बोल गई है मसाले खजूर लेने के लिए। शॉपिंग तो हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लिया। ये सामान लिया, ये थैला भर गया, ये थैला भर गया, ये सिंगरी ली, घर जाके दिखाऊंगी आपको। से सारा सामान मेरा नहीं है, भाभी ने और भाई ने दिया, मैंने तो कुछ नहीं दिया। देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है बाज़ार में। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी बाज़ार में चले जाओ भीड़ तो हमें मिलती मिलती है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं बहुत इनके वाली भीड़ से बाहर निकल चुकी हूँ ब्लॉग में। ये मेरा था ना बहुत काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाती हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश करूँगी आपको टाइम मेरी पूरी रहेगी कि आपको टाइम टू टाइम ब्लॉग मिलते जाए।